एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग की नवरात्रि अच्छी जा रही होगी। मैं करने वाली हूँ नवरात्रि मेकअप लुक। तो मैंने रिसेंटली डैट कॉल के मिस की एक पोस्ट देखी थी जिसमें उन्होंने अपने गरबा नाइट के लिए जो मेकअप किया था मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा कि ना उनकी जो मेकअप है उसको रिक्रिएट किया जाए। सो यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इस तरह का कोई वीडियो अभी तक किया नहीं है। मैंने फिलहाल में नेहा कक्कड़ का इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया था, उसमें बहुत सारा प्यार मिला मुझे। मतलब शॉर्ट्स डाले थे मैंने, उसके अंदर मुझे 7.4K व्यूज़ आए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने सोचा कि क्वर्की मिस की वैसे भी मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी इंस्पायर्ड मेकअप लुक करूँ मैं। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो पहले चेंज कर लेते हैं फिर मेकअप शुरू। सो गाइस मेरे पास उनकी तरह चनिया चोली वगैरह तो नहीं है, तो मेरे पास ये वाली है जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था बहुत टाइम पहले। इसको मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ ही नहीं कर पाई हूँ, तो मैं ये वाला पहनने वाली हूँ। थोड़ी सी चनिया चोली टाइप की वाइब भी आ रही है इसमें, देखो यहाँ पे थोड़े से मिरर वर्क भी है, थोड़ी सी ऐसा कढ़ाई है, तो मैं ये वाला पहनती हूँ पहले। सो गाइस आई एम बैक विथ सम गुड लाइटिंग, क्योंकि लाइट बहुत ही लो हो गई थी। पता नहीं बाहर में धूप अचानक से चला गया मेरी वीडियो स्टार्ट करते ही। तो मैंने अभी ये रिंग लाइट लगा लिया है यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने ये पहन लिया है। इसके साथ में मैंने ये ज्वेलरी पहनी है जो कि मैंने अगेन फ्लिपकार्ट से लिया था बहुत पहले, और मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, तो आज फाइनली ये यूज़ भी होने वाला है। इसके साथ में ईयरिंग्स भी है जो कि मैं बाद में पहनूंगी, पहले मेकअप करते हैं। तो मेकअप के लिए फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एलोवेरा का प्राइमर। तो ये प्राइमर पहले लगाते हैं। यहाँ पर मैंने लैक्मे का जेल प्राइमर लिया है, एलोवेरा जेल प्राइमर। इससे मैंने अपने फेस को अच्छे से प्राइम कर लिया है ताकि मेरा मेकअप अच्छा दिखे और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अब फाउंडेशन लगाया, तो मैंने यहाँ पे जोवेस का फाउंडेशन यूज़ किया है जो कि बहुत ही लो कवरेज है, मैंने गलती कर दी परचेस करने में। एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नोज़ कॉन्टोरिंग करने की कोशिश की है। मुझे कॉन्टोरिंग मतलब मेकअप में मुझे बहुत कम चीज़ें आती हैं, बट मैं अभी सीख रही हूँ, तो बस यही है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग किया है अपने चिक बोन्स पे, नोज़ पे, एंड फॉरहेड पे भी मैंने थोड़ा सा लगाया मैंने। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश की है, तो ठीक ठाक सा हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ है। आप लोग बताना आप लोगों को किस तरह कैसा लग रहा है मेरा मेकअप अभी देखने में। और उसके बाद फिर मैंने फाउंडेशन थोड़ा सा मेरे शेड से लाइट है, क्योंकि जब मैंने परचेस किया था वहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से शायद मैंने गलत शेड ले लिया, और उन्होंने मुझे खुद रिकमेंड किया था तो उन्होंने शायद मुझे गलत शेड ही दे दिया था। अभी तक मुझे अपने स्किन टोन का कोई फाउंडेशन नहीं मिला है सही से। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने थोड़े आईलिड्स पर भी लगा लिए क्योंकि डार्क सर्कल्स भी छुपाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आई मेकअप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये आई शेडो पैलेट, इसके अंदर मैंने ना ब्राउन कलर से, क्योंकि फ़ोटो में इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है आई मेकअप, तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर से इन आउटर कॉर्नर्स को पहले बनाया है, और उसके बाद फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा ये गोल्डन कलर का शिमर आई शेडो लगाया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी तरह का होगा मेकअप। और उसके बाद फिर अब स्मोकी आइज, तो फोटो में दिख रहा था कि स्मोकी आइज है, तो मैंने स्मोकी आइज बनाने की कोशिश की है। और मैंने उसके लिए ना यहाँ पे जो जेल काजल आते हैं वो वाले से मैंने लाइनर की तरह बनाया है, और उसके बाद फिर उसको हल्का हल्का ऐसे करके ना स्मज कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं हुआ है, बट फिर भी डिसेंट सा हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंग्स वाले लाइनर नहीं थे, तो मैंने इसलिए लाइनर को बस आंखों तक ही लगाया है, उसके आगे मैंने नहीं किया। तो बस उसको मैंने हल्का हल्का ऐसे स्मज कर दिया और फिर हो गया। और फिर नीचे के जो नीचे में भी मैंने सेम वैसे ही किया है, ऐसे हल्का सा काजल लगा के, और उसके फिर उसके बाद उसको उसको स्मज कर दिया है। तो हाँ मुझे लगता है कि ठीक ठाक मैंने कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने अपने आईब्रोज को फिल किया। आईब्रोज को फिल करने के बाद फिर मैंने अगेन जोवेस का ही मैंने पाउडर भी लिया था, मैंने बताया ना मैंने रिसेंटली लिया, तो मैंने काफ़ी चीज़ें ली है जोवेस की। तो मैंने उसके बाद फिर जोवेस का फाउंडेशन, ये कॉम्पैक्ट पाउडर था जो कि सन प्रोटेक्शन है इसके अंदर शायद SPF, तो मैंने ये वाला लगाया। उसके बाद फिर मैंने अपने थोड़े से ब्लश लगाया, तो अभी आपको काफ़ी वाइट वाइट लग रहा होगा, बट मैं बाद में इसको फिक्स कर दूँगी, मैंने ब्लेंड किया है बाद में इसको। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हाइलाइटिंग की है अपने नोज़ पे, अपने ये चिक्स के ऊपर। आ रही मम्मी, दो मिनट। तो मम्मी बुला रही है नहाने के लिए क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी पूजा करना है मुझे। तो हाँ यहाँ पे मैंने जल्दी से हाइलाइटिंग कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने ये रेड कलर की थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक के ऊपर से मैंने ये लिप ग्लॉस लगाया। वैसे लिप ग्लॉस मुझे इतना सूट नहीं करता है, मैं लिपस्टिक सिर्फ नॉर्मली ही लगाती हूँ, पर यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हैं इसलिए मैंने लगा लिया। और उसके बाद फिर मैंने ये बिना डॉट्स के तो नवरात्रि लुक कैसे ही कम्प्लीट हो सकती है, तो यहाँ पर मैंने कुछ डॉट्स बनाए हैं, ये देखो।
तो मेरे पास लाइनर्स नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे काजल की हेल्प से ही डॉट्स बना लिए हैं यहाँ पे। एंड हाँ, ये है हमारा लुक। और अब मेकअप फिक्सर की बारी है, तो मैंने ब्लू हेवन का यहाँ पे मेकअप फिक्सर लिया है, और मेकअप फिक्सर मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था, तो मैंने इसको अच्छे से फिर बिना डैब डैब किए मैंने बस इसको हवा से सुखाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं इसको डैप करके सुखाने की कोशिश करती हूँ तो वो ख़राब हो जाता है मेरा मेकअप और भी ज़्यादा। तो बस उसके बाद फिर मैंने जो नेक पीस पहना था उसके साथ में जो इयर रिंग्स आए थे वो मैंने लगा लिए और बन बना लिया, और थोड़े से ऐसे साइड से बाल को निकाल लिया है ताकि सेम लुक आए। और उसके बाद मैं भूल गई थी कि मुझे मस्कारा लगाना था, तो मैंने मस्कारा अभी लगाया। और उसके बाद फिर अब आपको दिखाती हूँ नेचुरल लाइट में मेकअप कैसा दिख रहा था, तो ये आपको बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ। और ये रहा हमारा फुल लुक आउटफिट के साथ में, तो आप बताना कैसा लगा आप लोग को। और अभी फिर से मैं नेचुरल लाइट में आ गई हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये रहा हमारा पूरा लुक, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।